यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इनेलो पर जमकर निशाना साधा है। सैनी 2 सितंबर को पानीपत में होने वाली लोकतंत्र बचाओ रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे। सैनी ने कहा कि 70 सालों में 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और देश को भूखे नंगों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये कहा कि जो हमारे साथ देश आजाद हुए थे, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, आज हमसे कहीं आगे खड़े हैं। वहीं बीजेपी पर भी सैनी कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आए और इस दौरान उनका उग्र रूप देखने को मिला और उन्होंने कांग्रेस पर ये निशाना साधा है। और साथ ही ये भी कहा कि जो हमारे साथ देश आजाद हुए थे, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, वो आज तरक्की के मामले में भारत से कहीं आगे हैं और कांग्रेस ने इस देश को भूखे नंगों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। पचपन साल राज करते, 55 साल में जनता हमको 12 बार सरकार बना करके 12 मौके देती है। हमारे देश का नौजवान और किसान बार बार कर्जदार और घर के अंदर दो दो बेरोजगार, देश को लाकर के 12 बार सरकार चलाने के बाद भूखे लोगों की लाइन में जाके खड़े कर देती है। ये क्या कर?